नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूँ हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक सऊदी अरेबिया की रियाल कितना होता है इंडियन रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में और बांग्लादेशी टाका में। तो मेरे पास तीन एक सऊदी अरेबिया रियाल करेंसी नोट है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक और बता देते हैं इसकी वैल्यू कितना होता है इंडियन रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में और बांग्लादेशी टाका में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया की सबसे छोटी वाली करेंसी नोट जो है इसको रियाल कहते हैं, और ये एक रियाल की बैंक नोट है। तो फ्रंट साइड कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो फॉर्मर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया थी। और बैक साइड जो है बैक साइड कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पे सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी की बिल्डिंग को दिखा रहे है, जो सारे ये सऊदी अरेबिया की करेंसी नोट्स को मैनेज करते हैं। तो ये रहा सऊदी अरेबिया की एक रियाल की बैंक नोट, और मेरे पास फिलहाल तीन करेंसी नोट है एक सऊदी अरेबिया रियाल की। तो चलिए अभी बात करते हैं इस करेंसी की वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक सऊदी अरेबिया की रियाल देने से आपको इंडिया में कितना मिलेगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की करेंसी जो है काफी हाई वैल्यूएबल करेंसी है। एक सऊदी अरेबिया रियाल की वैल्यू इंडिया में आज की डेट में 22 रुपए है, यानी कि 22 इंडियन रुपीस। तो ये रहा 22 रुपए, आप देख सकते हो, ये रहा इंडिया के 20 रुपए और इंडिया के 2 रुपए ये रहा। तो अगर मैं ये एक सऊदी अरेबिया की करेंसी इंडिया में एक्सचेंज करता हूं, मुझे ये 22 रुपए मिलेंगे। तो 22 गुना ज्यादा पावरफुल है ये एक सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी नोट। तो ये एक रियाल जो है अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ एक्सचेंज करता तो मुझे कितना मिलेगा। तो ये एक सऊदी अरेबिया रियाल लेने से आपको पाकिस्तान में 75 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, यानी कि 75 पाकिस्तानी रुपए। तो बहुत ही पावरफुल है ये सऊदी अरेबिया की रियाल, 75 टाइम्स मोर पावरफुल पाकिस्तानी रुपए के जैसा। तो ये रहा आप देख सकते हो, ये रहा पाकिस्तान के 50 रुपए, ये रहा पाकिस्तान के 20 रुपए, और ये रहा पाकिस्तान के 5 रुपए। तो 75 रुपए है। तो ये एक सऊदी अरेबिया की रियाल देने से आपको पाकिस्तान में इतना सारा पैसा मिलेगा, 75 पाकिस्तानी रुपए। दोस्तों, ये एक सऊदी अरेबिया की रियाल अगर मैं बांग्लादेश में कन्वर्ट करता तो मुझे कितना मिलेगा, चलिए बात करते हैं। तो एक सऊदी अरेबिया रियाल देने से मुझे बांग्लादेश में 30 बांग्लादेशी टाका मिलेंगे, मतलब 30 बांग्लादेशी टाका। तो ये एक सऊदी अरेबिया की रियाल जो है 30 गुना ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द बांग्लादेशी करेंसी। तो ये रहा बांग्लादेश की करेंसी, आप देख सकते हो, ये रहा 20 टाका की बैंक नोट और ये रहा 10 टाका की बैंक नोट। तो ये एक सऊदी अरेबिया अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ बांग्लादेश में, मुझे मिलेगा 30 बांग्लादेशी टाका। तो फिर से एक बार कह देता हूं, ये एक सऊदी अरेबिया रियाल देने से आपको इंडिया में मिलेगा कितना, 22 रुपए। पाकिस्तान में आपको मिलेगा कितना, पाकिस्तान में आपको मिलेंगे 75 पाकिस्तानी रुपए, और बांग्लादेश पे आपको कितना मिलेगा, बांग्लादेश पे आपको मिलेगा 30 बांग्लादेशी टाका। तो दोस्तों, अगर कोई आपको एक रियाल के अलावा आपको 100 रियाल देता है या 500 रियाल देता है, तो कितना पैसा होगा इन तीनों करेंसी में, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो ये 100 सऊदी अरेबियन रियाल एक्सचेंज करने से इंडिया में आपको 2200 इंडियन रुपए मिलेंगे, पाकिस्तान में 7500 पाकिस्तानी रुपए, और बांग्लादेश में 3000 बांग्लादेशी टाका मिलेंगे। 500 सऊदी अरेबियन रियाल एक्सचेंज करने से आपको इंडिया में 11000 इंडियन रुपए मिलेंगे, पाकिस्तान में 37500 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, और बांग्लादेश में 15000 बांग्लादेशी टाका मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो का अच्छा लगा। अभी भी कुछ भी क्वेश्चन डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जरूर मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। तो ये रहा एक सऊदी अरेबिया रियाल कितना होता है इंडियन रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में और बांग्लादेशी टाका में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।